मेरी गाड़ी है जो अभी आ रही है, रंजीत जी लेके आ रहे हैं, HP 01K 9301। ये हमारी अर्टिगा गाड़ी है, चलिए बैठे। यहीं पे थे क्या? अच्छा, नदी है, ठीक है, मनाली का शोक बोल सकते हैं इस नदी को। बाकी चलते हैं, एक वैष्णो देवी टेम्पल है यहाँ की, चलते हैं उस पर दर्शन करते हैं और दिखाते हैं इसके बारे में। ये टेम्पल श्री महादेव तीर्थ वैष्णो माता मंदिर कुल्लू की वैष्णो टेम्पल। दर्शन का समय ग्रीष्मकालीन 4 बजे से 6:30 बजे तक, ये आप टाइमिंग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। यहाँ शूज वगैरह आप रख सकते हैं बाहर निकाल के। जो ये नदी का व्यू है और ये जो कुल्लू एरिया दिख रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है ऊपर से। ये टेम्पल अच्छा बनाया हुआ है, वैष्णो देवी का जो कंसेप्ट बनाया हुआ है ना, जो है ये वैष्णो देवी का टेम्पल, उसको कवर करके मैं जा रहा हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि टेम्पल काफ़ी अच्छे थे। मतलब ओरिजिनल वैष्णो देवी तो मैं गया नहीं हूँ, तो शायद डुप्लीकेट हो उसी का, क्योंकि अलग अलग गुफा से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे बनाए गए हैं। तो अगर मनाली साइड आप आ रहे हैं तो एक बार विजिट करना बनता है, आप कर सकते हैं। साथ कुछ सोवेनियर्स वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। और वुडन नीम को, नीम का है, कितने का है प्राइस? प्राइस नहीं लिखा दिख रहा, शायद 80 रुपीज का है। ये पीछे दिख रहा होगा आपको वैष्णो देवी के मंदिर को। इनसाइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन वर्थ इट था, एक बार जाना तो बनता है यार, आप जा सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। एक अच्छा था, अच्छी वाइब थी और ऊपर काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ था। तो चलिए वैष्णो देवी के मंदिर को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मनाली का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के बारे में। ये डेंजर रोड मनाली का आपको दिख रहा है, ये डैमेज हुआ था जब राफ्टिंग आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो डैमेज हुआ था ना, जो एक फ्लड आया था उस केस में, देखिए रोड का क्या हाल है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये रोड। बोल सकते हैं मनाली थी प्यास, जो नदी है ना, इसको मनाली का शोक बोल सकते हैं। बाकी राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं यहाँ, यहाँ भी राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज काफी होती है यहाँ पे, तो यू कैन एंजॉय एक्टिविटी हियर आल्सो। हनीमूनर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है, अगर इफ यू आर माउंटेन लवर, इफ यू आर हिल स्टेशन लवर, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मनाली। ये देखिए आप राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। अभी कुल्लू में है एक वैष्णो देवी टेम्पल, जस्ट कवर करके अभी आए हैं। ये एक मोनेस्ट्री है, तो चल रहा हूँ मोनेस्ट्री के अंदर, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। और मोनेस्ट्री है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो चलिए टेम्पल कवर किया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कवर करते हैं। चलते हैं अंदर और दिखा, स्पेशली हिल स्टेशन जैसे स्पीति जाएंगे, सिक्किम वगैरह जाएंगे, वहाँ काफ़ी दिखेगा ये सारी चीज़ें। ये रेसिडेंस एरिया भी है आई थिंक, हमें लगता है। अच्छा स्कूल है, धाको तेजसिलिंग स्कूल। ओवरऑल अच्छा था, आप इनसाइड भी फोटोग्राफी कहीं दिखा हुआ, तो फोटो में इनसाइड का भी वीडियो मैंने क्लिक किया है। ओवरऑल मोनेस्ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा था, ये कुल्लू एरिया में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं सर्च करके पिन कर दूंगा, लेकिन कुल्लू एरिया में पड़ता है, तो आप आ सकते हैं इस मोनेस्ट्री के वाइब को इंजॉय कर सकते हैं। और इसके कैंपस में स्कूल्स हैं, तो आप स्कूल का भी एक कल्चर, स्कूल के बारे में भी थोड़ा जानने को आइडिया मिलेगा। बौद्ध धर्म का स्कूल है, थोड़ा वो भी देख सकते हैं। और इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, कैंपस काफ़ी बड़ा, ठीक है। मोनेस्ट्री तो खैर ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन इसके बाद जो भी बिल्डिंग्स बने हुए हैं स्टेइंग के लिए स्टूडेंट्स लोग के,
इस साइड नीचे नीचे भी जब जाऊंगा ना तो उधर भी है बना हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल एक अच्छी वाई वाई गुड एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक और स्पॉट पे आए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये नगर कैसल है, कुल्लू में पड़ता है ये, ठीक है। तो चलिए इंटरनल दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है इसमें जानने वाली बात है फटाफट, ठीक है। चलते हैं अंदर कुछ देखते हैं क्या है। हाँ ये ऑनलाइन लेते कर दो, ऑनलाइन कर दो तो ठीक है। एंट्री 50 रुपीज़ है, दो क्या है इसके अंदर ऐसे कुछ स्पेशल? ये सर राजा सिद्धि सिंह जी का महल हुआ करता था 1400 साल पुराना, छोटा सा बेसमेंट में म्यूजियम है, रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर में शूटिंग पॉइंट है, कई मूवीज की शूटिंग हुई है, जब वी मेट हीरो, द बैंग बैंग, रोजा। अच्छा सनी देओल की मूवी आएगी नहीं? अच्छा जब वी मेट, बैंग बैंग, रोजा, अच्छा ये सब, ये सब भी। राजा जय सिंह, कौन से राजा बोले? सिद्धि सिंह जी। ओके ओके गॉट इट गॉट इट। अंदर जाना है ना? कुछ देंगे रिसीट क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 100 रुपये का टिकट लिया, 50 रुपये पर पर्सन। विजिटिंग आवर देखिए 9 AM to 6 है, आपको दिख रहा होगा टूरिस्ट अट्रैक्शन नगर कैसल। अभी आप यहाँ पे हैं और इस साइड कुल्लू और इस साइड मनाली, डिस्टेंस भी सब लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे देखिए कौन कौन मूवी का और एपिसोड्स का जो सीन शूट हुआ है ना यहाँ पे, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब मूवी यहाँ फिल्माया गया है। अभी सनी देओल का कोई मूवी आ रहा है शायद, वो भी यहाँ शूट हुई है कुछ पार्ट उसकी, ठीक है। तो अच्छा है, ओल्ड मोनोमोन्ट आर्किटेक्चर ना, काफ़ी ओल्ड मॉडल, स्टोन और वुड का कम्बिनेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। इसमें मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, जस्ट ये वुड है या स्टोन है, ये दोनों का कम्बिनेशन। राजा सिद्धि सिंह जो 1460 AD में उन्होंने बनाया था, ठीक है, और उनका महल था ये। और अभी तो ये फिर एक बोल सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, ठीक है। और यहाँ काफ़ी मूवी का भी शूटिंग हुआ है, जैसे जब भी मैं बैंग बैंग, रोजा, ये सब मूवी का यहाँ शूटिंग हुआ है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर HP 19 May 1999, अच्छा उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, मतलब मे बी पब्लिक के बाद इसके बाद खोला गया होगा, ठीक है। अच्छा ये इसके ऊपर ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर रेस्टोरेंट है, चलिए मैं दिखाता हूँ उसका मीनू यहाँ पे है, फटाफट दिखा के आ जाता हूँ। अच्छा ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ रूम्स भी दिख रहे हैं। इसके अंदर हालांकि लॉक लगा हुआ है तो रूम अंदर नहीं, आउटर एरिया जो है इनसाइड कुछ नहीं दिख रहे। ये देखिए यहाँ कुछ आप चीज़ें खरीद सकते हैं, हेरिटेज हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्राइवेट लिमिटेड मार्जिन फ्री फैक्ट्री आउटलेट। अच्छा जैसा ये लिख रहे हैं कि फैक्ट्री आउटलेट है, मार्जिन फ्री है, मे बी इनसाइड द टेंपल। इसका आर्किटेक्चर आपको देखिए वुडन और स्टोन का कम्बिनेशन से, ये काफ़ी इकोनॉमी, सब में ताला लगा है, इनसाइड कुछ नहीं देख सकते। रेस्टोरेंट है बस ऊपर, पता नहीं हो सकता है। ये सब अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, शायद राजा जी अपने लिए बनाए होंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, ठीक है। ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर मोनोमेंट्स काफ़ी तगड़ा है, तो वो एक वाइब इंजॉय कर सकते हैं। बस यही पुरानी पुरानी चीज़ें तो है जो देखने लोग आते हैं यहाँ पे। कैसे बिना इसको मेंटेन किया ये सोचिए, कुछ नहीं है बीच में, ये इंटरलॉक मेथड भी नहीं बोल सकते इसको, बस नॉर्मल एक कम्बिनेशन।
बेसिस पे रखा गया है। ये इनसाइड कुछ अलाउड नहीं कर रही है, सुपर डिलक्स ऐसे ही सब अलग अलग रूम है, या फिर पता नहीं होटल में अभी तब्दील कर दिया गया है क्या। अगर ये होटल होगा तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, कोजी डिलक्स, बाकी वाइब इज गुड, यू कैन जस्ट कम हेयर टू इंजॉय द ओल्ड काइंड ऑफ वाइब। अगर आप थोड़ा ओल्ड आर्किटेक्चर ये सब में बिलीव करते हैं, जस्ट यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। कुछ कुछ पार्टें देख लेते हैं, ये कुछ कुछ पार्ट पहले के जमाना में जो भी बचा है जो रखा हुआ है, देखिए कालीन बिनने वाली, सॉल चलाने वाली जिसके लिए फेमस था, आपको मैंने फैक्ट्री भी दिखाया। ये बस ये आर्किटेक्चर इसका यूनिक है समथिंग, बाकी अगर आर्किटेक्चर लवर है, ओल्ड मोनूमेंट्स लवर है, यू हैव टू कम, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस प्लेस आल्सो। अभी ये देखिए, ये नगर कैसल है, ये कुल्लू का एरिया है और वहाँ पे हैं, और काफ़ी एक अच्छी वाइब आ रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा कुल्लू एरिया आपको दिख रहा होगा, और ये बेसिकली राधा सिद्धि सिंह का महल था जो 1460 AD में बनाया गया था, और 1999 में इनको इनॉग्रेशन हुआ इसका, और उसके बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया होगा। 50 rupees एंट्री फी है, एक बर्थ इट है, यार आना है, आ सकते हैं इसमें। एक ओल्ड मोनूमेंट दिखेगा, एक वुडन और स्टोन का एक कम्बिनेशन दिखेगा, काफ़ी तगड़ा है। सो फिलहाल वीडियो को, इस नगर कैसल के वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं समाप्त, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और पॉइंट में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, बाय बाय। मैं मनाली में स्टे किया हूँ, और मनाली में आज लास्ट दिन है मेरा, 3-4 दिन से मैं मनाली में था। लकली ये 4-star रिसॉर्ट है, कैपलिन रिसॉर्ट, और मॉल रोड से 5 to 6 kilometers दूर है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम रिसॉर्ट है। आप इसका रूम का डायमेंशन की बात करें तो 400 square feet है लगभग रूम, बालकनी काफ़ी अच्छा है, और जस्ट जिस चीज़ के लिए मैं आया था, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा था ना, उस चीज़ के लिए स्नोफॉल है। चलिए स्नोफॉल मैं दिखाता हूँ आपको कि स्नोफॉल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्नो में तो मैंने इन्जॉय किया, लेकिन ये स्नोफॉल मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इधर आपको स्नो दिख रहे होंगे, स्नोफॉल होते हुए कितना कैमरा में नज़र आ रहा है जो हमें नहीं पता, लेकिन लाइव काफ़ी इन्जॉय कर पा रहा हूँ यार, काफ़ी तगड़ है। हमारी होने वाली है लक्ष्मी होली जैसे, और यहाँ का व्यू देखिए यार, गजब कमाल का। Yeah.